aerial desert of Jaisalmer. पीछे देख रहे हो आप कितना अच्छा व्यू है इसको बोलते हैं रियल जैसलमेर और अब हम जा रहे हैं तनोट मंदिर जो यहाँ पर बहुत दूर है और तनोट मंदिर में जो है माता का मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है और हम वहाँ पर जाकर अब दर्शन करेंगे और इसकी हिस्ट्री है जो आपको अमित बताएंगे तो हम पहुंचे हैं रनऊ विलेज सो ये रनऊ विलेज लास्ट सेटलमेंट है बिफोर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तो ये पीछे हमारे आप देख रहे होंगे रनऊ सेटलमेंट जो है इसको गांव बोल सकते हैं और इसके दोनों साइड डेजर्ट है एक्चुअल रेत जिसको हम रेत के टीले बोलते हैं ये पीछे तक रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं वो बहुत दूर तक सब कुछ है सी सी तो यहाँ पे जीप सफारी भी होती है और सर्दियों के महीनों में भी यहाँ पे दिन में टेम्परेचर जो है वो 35-40 तक चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो पानी साथ में रखिए अगर आपको आना हो तो यहाँ पे पानी की थोड़ी सी दिक्कत है अगर तनोट माता मंदिर आपको जाना है तो ये जैसलमेर से अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर पड़ता है बीच में ये एक दो सेटलमेंट्स आती हैं जहाँ पर आप खाना वाना खा सकते हो रनऊ में कुछ नहीं है खाने पीने का लेकिन हाँ पीछे रामपुर एक जगह आई थी वहाँ पर था तो हम अब आगे जा रहे हैं लेट्स सी तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं तनोट मंदिर और तनोट मंदिर जो है वो बीएसएफ के कंट्रोल में ही है और बीएसएफ ही इसे देख रेख करती है आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बीएसएफ ये जो मंदिर है तनोट माता का यहाँ पर जो है यहाँ पे बीएसएफ के ही जवान होंगे यहाँ पे आम पब्लिक नहीं मिलती बीएसएफ के अंडर है तो ये बीएसएफ ही सारा यहाँ देख रेख करती है अभी हमारा आइडेंटिटी प्रूफ चेक होगा यहाँ पे सामने यहाँ पे फॉरनर्स अलाउड नहीं है सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस इन राजस्थान जहाँ पे फॉरनर्स हमें नहीं दिखेंगे तो यहाँ पे और लोंगेवाला दोनों में फॉरनर्स अलाउड नहीं है ओनली इंडियंस कैन कम हेयर तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी कार्ड चेक होगा दैट वी आर इंडियन और नॉट तो उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान की जब आर्मी 65 की लड़ाई हुई थी और 71 की वार हुई थी तो 65 में पाकिस्तान की आर्मी इस मंदिर को क्रॉस नहीं कर पाई थी यहाँ तक पहुँचे थे यहीं से पीछे हो गए थे तो तनोट माता मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं इनफैक्ट जो 65 में वॉर थी तनोट माता मंदिर के अंदर 450 बम गिराया गया लेकिन उनमें से एक भी बम फटा नहीं तो कहते हैं कि जो अभी तक जिंदा बम जो पाकिस्तान ने गिराए थे वो अंदर मंदिर के अंदर पड़े हुए हैं माता की मूर्ति के सामने पड़े हुए हैं हमें नहीं पता कि हमें शूट करने देंगे कि नहीं करने देंगे अगर शूट करने देंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे तो लेट्स चलते हैं अभी अंदर जॉइन अस मंदिर के अंदर गर्भगृह की फ़ोटो खींचना मना है तो हमने उसका सम्मान करते हुए अंदर कोई फोटो नहीं खींची ना वीडियो बनाई लेकिन हाँ यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं अभी आपने देखा होगा जो पीछे क्लिप था वो वही अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब थे जो कि यहाँ पे गिरे थे लेकिन वो फटे नहीं ये है यहाँ का बरांडा मंदिर का प्रांगण
तो हम पहुंच चुके हैं लोंगेवाला म्यूजियम। ये आपको थोड़ा सा व्यू घुमा के दिखाते हैं हम। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है लोंगेवाला म्यूजियम। वो दूर तक, वो वहाँ पे ऊपर तक लोंगेवाला म्यूजियम जाता है। हम यहाँ पे पहुँचे हैं तनोट माता से चलकर। अप्रॉक्सीमेटली एक घंटा लग गया हमें, क्योंकि रास्ते की रोड बहुत ही इंटरेस्टेड है। ऑफ रोडिंग करके हम आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ते में कहीं रेत सड़क के ऊपर है और कहीं सड़क रेत के ऊपर है, कुछ पता नहीं लगता। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच के हमने यहाँ पे खाना खाया आके थोड़ा सा। और यहाँ पर जो है सारा कुछ मेंटेन भी जो है यहाँ पे मिलिट्री और BSF ही करते हैं। और यहाँ के जवान है यहाँ पर, उन्होंने ही यहाँ पर खाने की फैसिलिटी जो है वो ही लोगों को प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब चलते हैं म्यूजियम की तरफ। यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो भी है जो कि 20-25 मिनट का है। आई डोंट थिंक कि हम उसको कवर कर पाएंगे, लेकिन हाँ म्यूजियम में चलते हैं। यहाँ पे 2-3 टैंक जो पाकिस्तानी टैंक थे जो इंडियन आर्मी ने ख़त्म किए थे वो है यहाँ पे। एक छोटी सी हिस्ट्री बताई जो आर्मी जवान है, उन्होंने बताया कि पहले जो एक्चुअल पोस्ट थी, जो एक्चुअल लड़ाई हुई थी, वो इसी जगह पे हुई थी। यहाँ हम जाएंगे, यहीं पे फेंसिंग लगी हुई थी, पूरी की पूरी फेंसिंग यहीं थी। जब 71 की वार हुई उसके बाद इंडियन आर्मी ने 15 किलोमीटर आगे पाकिस्तान के एरिया में जाके फेंसिंग करी, इस एरिया को पूरे कब्ज़े में ले लिया। और यहाँ पे पूरा का पूरा वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है उन जवानों के नाम पे जो उस बैटल में शहीद हुए थे। यहाँ पर आकर थोड़ा सा गर्व होता है कि हाँ, क्योंकि बहुत ही बिहड़ एरिया है, दूर दूर तक रेत के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। रेत और झाड़ और सैल्यूट टू इंडियन आर्मी है जो इन्होंने इतनी फैसिलिटीज अभी भी लोगों को प्रोवाइड कर रही है और दिन रात यहाँ तैनात रहते हैं सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए। सीरियसली, रास्ते में एक दो जगह है जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, एक आर्मी का जवान बैठा हुआ है, सिंगल मैन, सिर्फ फेंसिंग करने के लिए। आई डोंट नो कैसे मेंटेन करते होंगे वो रात को और दिन को अलग अलग, लेकिन हाँ अच्छा है। लेट्स सी, गो इनसाइड द मेमोरियल एंड आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी टैंक। ये पाकिस्तान का झंडा उल्टा क्यों है इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन हाँ इंडिया का झंडा सीधा है, दैट इज गुड। चलिए अब अंदर चलते हैं म्यूजियम के। ये है वे टू म्यूजियम, इसके अंदर चलते हैं। पहले एक बार टैंक देख लें, पाकिस्तानी शर्मन टैंक। बेसिकली दोज आर अमेरिकन मेड शर्मन टैंक, जिसको उस टाइम अभेद्य माना जाता था, लेकिन इंडियन जवानों ने इसको ख़त्म कर दिया। तो अमेरिका ने ये शर्मन टैंक तब बनाने बंद कर दिए थे। शर्मन टैंक की हिस्ट्री ये है। और ये पाकिस्तान को सोल्ड आउट किए थे अमेरिका ने उस टाइम पे। ये देखिए, ये इंडियन M40 है, इंडियन एंटी टैंक गन, जो कि बॉर्डर मूवी में भी दिखाई थी। इसमें बैठकर टैंकों को ख़त्म किया था। उस टाइम हमारी पोस्ट के पास सिर्फ एक ही गन थी, ये वाली। तो गाइस ये है पूरी स्टोरी बैटल ऑफ लोंगेवाला की। और ये है अनदर पाकिस्तानी T-59 टैंक जो उन्होंने उस टाइम पे यूज़ किया था, जिसको कि इंडियन आर्मी ने ख़त्म कर दिया था।
तो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक पुराना पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयड टैंक, उसकी लाश है। सो अभी हम आए हैं, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है जो यहाँ पे आर्मी दिखाती है। 25 रुपये टिकट लगती है पर पर्सन की उसकी, लेकिन इट्स वर्थ वॉच एंड उसके अंदर शूटिंग नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। और यू नो व्हाई ये लोंगेवाला इतना मशहूर क्यों है, क्योंकि मॉडर्न जितनी भी फाइट हुई हैं आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जितनी भी फाइट हुई हैं, ये सबसे डेंजरस स्टैंड ऑफ था। सिर्फ 20-22 बंदों ने 600 बंदों की कंपनी को रोक के रखा पूरी रात। इट्स नॉट अ किड्स थिंग, इट्स नॉट अ जोक। इसलिए ये लोंगेवाला मॉडर्न लाइफ की सबसे डेंजरस वॉरफेयर में से एक आती है। इनफैक्ट एक पीछे रिसर्च भी आई थी जिसमें 20 सबसे डेंजरस स्टैंड ऑफ थे, उसमें से लोंगेवाला एक था। तो हमें यहाँ पे आना चाहिए, अपने जवानों को सपोर्ट करना चाहिए और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए कि हाँ ये जगह भी है। हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं देखने के लिए, लेकिन बच्चों को यहाँ पे लेकर आना चाहिए कि कितने दूर तक बैठे हुए हमारे जवान यहाँ पर। सैल्यूट टू दीज जवान्स जो यहाँ रहते हैं इतनी मुश्किल में और हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। वी रिस्पेक्ट देम, वी शुड सैल्यूट देम।